thank you वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज के व्लॉग में मैंने जो है आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा है जो कि इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता मस्जिद नबी का थ्री डी वर्चुअल विज़िट ये मेरे पास एक लिंक आया था और मैंने बहुत ही इसको बहुत ज़ूम करके बहुत ही गौर से देखा आपको भी शो भी हो रहा होगा ये लिंक मैं आपके साथ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूँगी और इसको मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी इससे लुफानंदोज हो सकें तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इससे खूबसूरत चीज़ तो कोई उतारी ही नहीं इस, इससे इससे खूबसूरत दुनिया में घर कोई बन ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता तो मैंने भी इसी मकसद के तहत आपके साथ शेयर किया क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत खुशी हो रही थी मैं अभी तक ना मैंने हज किया है और ना ही मैं उम्र उम्र की सदत हासिल कर सकी हूँ हर साल प्लान होता है लेकिन कुछ ना कुछ आ, बस अल्लाह की तरफ़ से कोई शायद अभी बुला बुलावा नहीं आया तो मैं भी जब इसको देख रही थी तो मेरे दिल में भी एक हसरत के साथ मैंने इसका एक एक कोना जो है जूम कर कर, कर के देखा और मैं मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं रमदान करीम में स्पेशली जब वो इसको देखेंगे तो उनको भी एक तो सवाब की गर्ज़ से भी हो जाएगा और दूसरा हर इंसान के दिल में कोई ना कोई हसरत होती है अल्लाह ताली ने हज़रत मोहम्मद महमद्ल हो के अलावा किसी भी दुनिया के इंसान को मुकम्मल पैदा नहीं किया कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है तो मुझे ये था कि शायद मेरी तरह आप भी जब इस खूबसूरत घर को मस्जिद नबी जो अल्लाह का घर है और बहुत ही ख़ूबसूरत मस्जिद है और आ, पीस ऑफ आर्किटेक्चर है मावल्स पीस ऑफ आर्किटेक्चर है तो ये था कि मेरे दिल से भी जैसे बहुत सारी दुआएं थीं वो अपने लिए भी और सबके लिए भी अपने पेरेंट्स के लिए अपने इन लॉज़ के लिए और इसी तरह तमाम उम्म मुस्लिमा और मेरे अपने व्यूअर्स के लिए भी दुआएं दिल से निकल रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूं हो सकता है कि आप इसको देखें और बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको जिनके पास इतनी इसतात नहीं है कि वो इस घर तक आ सकें या, या किसी बीमारी या किसी भी उज़्र की वजह से वो नहीं आ सकते तो स्पेशली उनके लिए गोल्डन चांस है तो मुझे ये लगा कि मुझे ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए अभी तो ये थोड़ा क्योंकि मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलाया था तो इतना ये कोई जूम करके नहीं आ सका लेकिन मैं जब आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक शेयर करूँगी आप काइंडली इस लिंक को ज़रूर देखेगा और अपने पेरेंट्स के साथ ये जो भी आपका जानने वाला जिसको ये ख्वाहिश है कि वो मस्जिद नबी का नज़ारा कर सके घर बैठे इस ये इस बिल्कुल इसी तरह है जब आप इसको ओपन करेंगे आपको लगेगा कि आप ख़ुद इसके अंदर जा रहे हैं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सबको भी अल्लाह ताला जो है यहाँ पे आना नसीब करे और मेरे लिए भी आप ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जो है मेरी किस्मत में या मेरी अ, मेरे बच्चों की किस्मत में मेरे वालदान की किस्मत में भी यहाँ पर आना लिखे तो इससे बेहतरीन नज़ारा तो कोई हो ही नहीं सकता और बहुत ही ख़ूबसूरत आप देखें बिल्कुल बारीकी से आ, हर एक चीज़ में आप जितना भी इसको जूम करके देखते हैं उतना ही ये आपको ख़ूबसूरत लगता है आप कारपेट से ले के इसमें जो आर्ट है जो ज, ये एक मास्टर पीस है तो जो लोग भी मक्का या मदीना जाते हैं तो यकीनन वो जो है जब भी हज या उम्रा की सादत हासिल करते होंगे यहाँ पर जाते होंगे तो वो यकीनन यहाँ के एक एक कॉर्नर से वाकिफ़ होंगे लेकिन मेरी तरह जो लोग अभी तक नहीं जा सके या दिल में जो हसरत लेके बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पर बुलाए तो उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है मेरे साथ भी किसी ने शेयर किया था तो मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ अल्लाह ताला है वो कहीं पे भी बैठे सुन लेता है तो हो सकता है कि आप इसको देखें और आपके दिल से अपने लिए दुआ निकले और वो आपके हक़ में कबूल हो जाए तो यकीनन जो है वहाँ पे जाना यकीनन बहुत अफजल है और अल्लाह से दुआ है कि हम सब भी वहाँ पे जाएं बहुत ही ख़ूबसूरती के साथ बहुत ही एलिगेंट कलर्स को लेके और इसको डिज़ाइन किया गया है हर एक चीज़ में यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरती को और... कुछ लिंक होते हैं जो आपको फॉरवर्ड होते हैं तो आप शायद उनको स्किप कर लेते हैं लेकिन ये ऐसा लिंक था कि मेरा दिल चाहा कि मेरे पास ऐसा ही कोई खाना काबा का या इसी तरह से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई लिंक हो कि मैं जब तक नहीं जा सकती तो मैं उसको देख के काफ़ी हद तक उसकी ज़्यारत करके जो है अपने दुआ कर सकूँ या अल्लाह ताला से ये अर्ज़ कर सकूँ कि अल्लाह मुझे भी वहाँ पे बुलाए साथ ही साथ जो मैंने लिंक देखा तो बच्चे भी अपने जो है शरारतों में लगे हुए थे अमल और मोहम्मद खेल रहे थे और सेम डे पे मुझे डीप क्लीनिंग भी करना थी क्योंकि मेरा स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था वन वीक का तो एक मेरे पास समर ब्रेक होता है या मेरे पास जो है स्प्रिंग ब्रेक होता है ये भी वन वीक का था तो इस वजह से जो है डीप क्लीनिंग वैसे भी रमादान से पहले मुझे करना थी लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाई कि टू वीक्स ऑलरेडी मैंने ट्रैवल कर लिया था तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था तो मैंने क्या किया कि अभी स्प्रिंग ब्रेक को वैसे तो कोशिश होती है कि रमदान में इस चीज़ को ना ही किया जाए क्योंकि इबादत वग़ैरह या बाकी वज़ाइफ किए जाएं लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मुझे जो है रोज़े के दौरान ही ये डीप क्लिन करना पड़ी तो डीप साथ साथ हो रही थी और साथ ही किचन सिंक को भी साफ़ किया जा रहा था स्टील से मैं इसको साफ़ कर रही थी वैसे तो ये होता है कि हर टू वीक्स के बाद जो है थोड़ा बहुत क्लीनिंग मैं करती हूँ लेकिन वो इतनी ऑब्वियसली डीप नहीं होती क्योंकि टाइम कम होता है यू ही में मैंने पहले भी मेंशन किया है कि टीचिंग बहुत ही टफ़ होती है ऑलमोस्ट आपका सारा दिन गुज़र जाता है तो ये था कि साथ मैंने वॉल्स वगैरह भी क्लीन की लेकिन वही चीज़ है कि इस ये बहुत टाइम टेकिंग होता है फिर बच्चों के साथ इस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक दिन में ही अगर मैंने इसको स्टार्ट कर ही लिया है तो मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। और क्लीनिंग मैं किससे किचन टॉवल से कर रही थी और साथ जो है मैं थोड़ा इसमें डिश वाशर को यूज़ कर रही थी ताकि बहुत ज़्यादा कोई मैं ऐसी हार्ड चीज़ ना यूज़ करूँ जिससे जो है इसकी क्लीनिंग ना हो सके थोड़ा कैबिनेट्स पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसको क्लीनिंग करने में जो है काफ़ी टाइम चाहिए था और जब से शिफ्टिंग हुई थी तो मैंने एक दो बार इसकी क्लीनिंग की थी टाइम बहुत कम बचा था और मेरे से पहले जो फैमिली यहाँ पे रह के गई थी उसने तो बिल्कुल ही इसका जो है हशर नशर किया हुआ था किचन का भी और हर चीज़ का भी अभी मुझे अपने व्यूअर्स से एक सजेशन चाहिए थी कि मैंने क्लीनिंग करने के बाद भी किचन का मार्बल कुछ इस कलर का है कि बिल्कुल भी बहुत डल से कलर का है और बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता तो मुझे आप काइंडली सजेशन दें कि मैं इसमें क्या चीज़ ऐसी यूज़ करूं क्योंकि अगर मैं शीट वग़ैरह भी यूज़ करूंगी तो स्पेशली इस स्पेसिफ़िक साइड पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है गरम वगैरह स्टोव uh, से उतार के तो रखना पड़ती है जिससे मुझे ये होता है कि शीट वग़ैरह अगर मैं लगाऊं तो वो जल ना जाए तो आप काइंडली मुझे कोई ना कोई सजेशन दें क्योंकि इसका दूसरा हाल तो यही था कि या तो मैं फिर इसको बिल्कुल चेंज करवा दूँ सारे मार्बल को जो कि टाइम टेकिंग था और बिल्कुल जॉब की वजह से मेरे और अदील के पास टाइम नहीं था क्योंकि आप जब काम करवाते हैं तो फिर सर पे खड़े होकर काम करना पड़ता है और रमजान में मैं स्पेशली अवॉइड करना चाहती थी साथ ही मैंने किचन कैबिनेट्स को भी अरेंज और ऑर्गनाइज़ किया था लेकिन फिर भी मेरे पास ऑब्वियसली यूएई में जब आप रहते हैं तो मेरे पास इतना इतने ऑप्शन नहीं हैं कि मैं अलग अलग इन चीज़ों को रख सकूं मैंने इनको काफ़ी हद तक अरेंज करने की कोशिश की और एक्स्ट्रा जो मेरा स्टफ था उसको डी क्लटर भी मैंने किया लेकिन फिर भी वही बात है कि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं बच रही थी ये अभी मेरे पास कुछ प्लेट्स थी और कप्स थे और इसी तरह कुछ लंच बॉक्स और टी कप्स वगैरह थे और कुछ और स्टाफ था जो मैं मैंने इसको डी क्लटर किया क्योंकि एक तो स्पेस कम थी और दूसरा ये था कि अगर किसी के काम आ सके तो आ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर कोई इसको यूज़ कर सके तो बजाय इसके कि मैं इसको डस्टबिन में फेंकवा देती मेरी यही कोशिश थी कि जो है इसको डिक्लटर कर दिया जाए ताकि अगर कोई यूज़ करना चाहे तो यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं और वो उसको कर सकें इसके पैक्स वगैरह बना के प्लास्टिक बैग्स में मैंने इनको रख दिया था और अभी मैंने फिर अदील और अमल जो है इसको नीचे रखने गए थे क्योंकि इसमें ये होता है कि कोई ना कोई इसको यूज़ कर लेता है और जो जो ज़्यादा अच्छी बात होती है तो यहाँ पे जो है यू में ये भी होता है कि आप डी क्लटर कर सकते हैं या कुछ लोग जो है इसको डूबी जेल पर भी लगा देते हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन चीज़ों को अपने पास रख सकूँ इतने टाइम के लिए तो मैंने क्या किया कि बजाय डस्टबिन में फेंकवाने के एक पार्ट होता है एक साइड पर रख देते हैं फिर जिसको चाहिए होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आके ले जाते हैं तो इसी तरह और भी डिफरेंट चीज़ें थी जैसे कि कम्फर्टर वग़ैरह थे और कुछ ब्लैंकेट्स थे और कुछ अमल और मोहम्मद के जो कपड़े थे जो कि इनको फिट नहीं थे साइज़ के तौर पे और बिल्कुल इन्होंने दो 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 से तीन बार पहने थे और अम्बल की हाइट माशाल्लाह ऐसी है कि इसको मन, हार्डली जो है एक मंथ ही पूरा होता है तो इस वजह से भी मैंने जो है वो चीज़ें भी थी तो मैंने वो डी करवा दिया तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी बिल्डिंग की पार्किंग है और मैं ऊपर से ग्लास विंडो में से बना रही थी वीडियो बना रही थी तो चलें फिर मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम यहीं पे करती हूँ अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं किसी तरह की और वीडियोस भी आप देख सकें बिल्कुल फ़्री में तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी तरफ़ से असलकुम खुदा हाफ